हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तुषार। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन के अंडर तीन मेथड्स पढ़ेंगे, जिसमें हम किसी भी ओरिजिन से डेस्टिनेशन की ओर जो भी हमें ट्रांसपोर्टेशन करना होता है उसकी हमें एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे हमें एक बेस्ट कॉस्ट मिले। इसमें सबसे बेस्ट कॉस्ट तो नहीं मिलती, मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो हमें नहीं मिल पाता, जो भी इसकी ऑप्टिमम वैल्यू आनी चाहिए वो हमें नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर हम एक फिजिबल बेसिक सॉल्यूशन जो हमें चाहिए होता है वो मिल जाता है। तो ये सभी सॉल्यूशंस वही चीज़ निकालते हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है, इसके लिए हमारे पास लीस्ट कॉस्ट मेथड है और VAM, ठीक है, वेगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देता कि किसी की फिक्स वैल्यू, इसकी अलग वैल्यू आती है, इसकी अलग आती है, ठीक है। तो इसमें हमें सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये हमें एक मैट्रिक्स फॉर्म में प्रॉब्लम गिवन रहती है। जो हमारे कॉलम्स है ये हमारे रिप्रेजेंट करते हैं प्लांट्स या ओरिजिन को, जहाँ से हमें ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है। और ये हमारे जो रोज हैं वो डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। देन हमारी सप्लाई जो है वो सप्लाई एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं, और डिमांड जो हमारी रहती है वो बिलो साइड में ये रोल रिप्रेजेंट करती है। इसके एलिमेंट सारी डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमें एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी हम यहाँ पे सप्लाई या डिमांड को एलोकेशन देंगे किसी भी सेल को, उसको बेसिक सेल बोलेंगे, और जिसको एलोकेशन नहीं मिलने वाली उसको हम जीरो काउंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से इसका फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डिमांड और सप्लाई देखनी है, और इसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल क्यों बोलते हैं। सबसे हमें इसमें नॉर्थ क्या होगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो इसमें हमें नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर उठाना होता है, तो हम ये वाली सेल उठाएंगे जिसमें हम, या कॉर्नर बोलिए, जिसमें हमने ये वाली सेल उठाई, तो थ्री आती है, सबसे टॉप मोस्ट और सबसे लेफ्ट साइड में। अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट हमने देखा कि तीन आता है, तो तीन में हम सप्लाई और डिमांड दोनों को चेक करेंगे। तो हमारी मिनिमम चीज क्या है, सप्लाई, हमारे पास सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। तो हम सबसे पहले जितनी भी हमारे पास सप्लाई अवेलेबल है हम इसको प्रोवाइड करवा देंगे। हमने प्रोवाइड करवाया, साथ साथ हम इसका फिजिबल सॉल्यूशन भी बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो जेड इज इक्वल टू 3 × 100। जिस भी सेल को ये एलिमेंट्स सप्लाई या डिमांड में से कुछ भी एलोकेट होता है उसको हम बेसिक सेल बोलते हैं, ठीक है। और जो बाकी बच जाते हैं उनको हम जीरो काउंट करते हैं, वो हमारे बेसिक सॉल्यूशन में काउंट नहीं होते। तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में क्या होगा, हमने यहाँ पे 100 की सप्लाई दे दी, अब इसके पास देने के लिए कोई सप्लाई नहीं बची है, तो इसको हमने काट दिया। इसके पास कितनी बच गई, 140 की सप्लाई अभी रिमेनिंग है। तो हमने जैसे 140 की सप्लाई रिमेनिंग है तो अभी हम इस कॉलम को नहीं काट सकते, क्योंकि अभी इसको डिमांड बहुत चाहिए, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ से 100 कम हो गए, ये जीरो हो गया, तो अभी ये यहाँ से भी 100 कम हो गए, यहाँ पे 500 बच गया, इस तरफ से भी 100 कम हो गए, इस तरफ भी 500 बच गया, तो अभी भी इसकी जो है बैलेंस इक्वेशन में काउंट हो रही है, ठीक है। तो बैलेंस होने के लिए, मतलब सबसे जरूरी है ये मेथड्स लगाने के लिए कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो हमारा फिर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को फाइंड आउट करना रहेगा। अब की बार नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर क्या है, 2। तो इसमें जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है उसमें हमें फिर से चेक करना है सप्लाई और डिमांड में से क्या चीज कम है। तो डिमांड कम है, हमने जैसे यहाँ पे डिमांड इसकी पूरी कर दी, तो अभी इस कॉलम को कोई और डिमांड की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जीरो हो गया। यहाँ पे कितना बचा, 20 की सप्लाई और हमारे पास रिमेनिंग है, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे वो चीज़ भी लिख लेते हैं ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना आए। 2 × 140, हमने ये भी बेसिक सेल की अपनी लिख ली है वैल्यू। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से नॉर्थ और वेस्ट कॉर्नर को फाइंड आउट करना है। तो इस बार 7 आया, तो 7
सेवन में हमने फिर से 20 और 160 में से देखा मिनिमम हमारी सप्लाई है, तो सप्लाई जितनी भी हमने इसको एलोकेट कर दी और इसके पास देने के लिए सप्लाई बची नहीं है, और इसमें हमारे पास डिमांड 20 की कम हो गई है, 20 की हमारे पास सप्लाई मिलने के बाद 140 बची है। ठीक है, तो 140 बचने के बाद क्या है कि अच्छा ये अकॉर्डिंगली कम होता जाएगा, इसको बार बार देखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम यहाँ से बैलेंस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 140 की जो है रिमेनिंग बच चुकी है और साथ को 20 की सप्लाई जो है मिल चुकी है। ठीक है, अभी 140 की और इसको रिक्वायरमेंट है, डिमांड 140 क्वांटिटीज की और है, तो अभी क्या करना है, फिर से नॉर्थ और वेस्ट कॉर्नर को फाइंड आउट करेंगे, वो हमारा 6 आएगा। इसमें 140 और 150 में से क्या चीज मिनिमम है, 140 मिनिमम है, हमने 140 इसको एलोकेट कर दी। अब हमारी डिमांड जो है यहाँ से फुलफिल हो रही है, तो हमने ये कॉलम रिमूव कर दिया, 140 की डिमांड अभी यहाँ से जीरो होगी और यहाँ पे हमारी 10 की और सप्लाई बचती है। तो यहाँ पे जैसे ही इसको 140 की मिलती है, हम इसको बेसिक सेल में के एलिमेंट्स को यहाँ पे उतारते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी सप्लाई कंप्लीट, ये कॉलम बेयर। तो अभी फिर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की तलाश जा रही, फिर से एक आ गया, यहाँ पे एक आने के बाद यहाँ से इसको 10 की सप्लाई मिल रही है, यहाँ से इसको 200 की डिमांड है, तो सप्लाई हमारे पास कम है, तो हमने इसको सप्लाई देके इसको कट कर दिया, तो 1 × 10। ठीक है, सप्लाई मिल गई इसको, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ से जीरो होगी सप्लाई, यहाँ से 190 की नीड रहती है, तो यहाँ से 190 की सप्लाई मिल रही है, 190 की ही डिमांड है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे इसको हम 190 दे देंगे, 5 × 190, तो ये हमारे पास ये डिमांड और ये दोनों जीरो चीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से हमारे पास बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ चुका है। तो इसको जैसे ही हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा एक बार देख लीजिए, आगे सोल्व करते हैं तो ये हमारा आ गया 300, 280, 140, 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
बात करते हैं लिस्ट काउंट लिस्ट कॉस्ट मेथड, ठीक है। तो उसी इस प्रॉब्लम को लिखते हैं, तो मैं एक बार ये सब रब करके फिर स्टार्ट करता हूँ। तो इस बार हमने सेम प्रॉब्लम लिखा, इसमें हम इसको लिस्ट कॉस्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे जो लिस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करना है, लिस्ट कॉस्ट इसमें से जो भी है, लिस्ट कॉस्ट का मतलब ये सारे हमारे कॉस्ट दी हुई हैं, इसमें से हमें सबसे लिस्ट कॉस्ट को फाइंड आउट करना है और उसको एलोकेशन देनी है। एलोकेशन उसी तरह से देनी है जैसे सप्लाई और डिमांड में से जो भी मिनिमम हम उसको प्रोवाइड करवा के और जो भी चीज़ ओवर हो जाएगी उस रो या कॉलम को हटा देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले एलिमेंट देखा वन जो है लिस्ट कॉस्ट है, वन को हमने यहाँ से सप्लाई और डिमांड में देखा कि मिनिमम 150 की क्या है सप्लाई, तो 1 × 150 ये हमारा वही बेसिक ऑप्टिमल सॉरी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आएगा। तो 150 की ये जो है हमारी सप्लाई ख़त्म और यहाँ पे रिक्वायरमेंट बच गई है 50 की, ठीक है। तो अभी इसमें लिस्ट कॉस्ट सेकंड लिस्ट कॉस्ट क्या है, इसमें हमारे पास दो लिस्ट कॉस्ट आ रही है, ठीक है, जो कि इक्वल है, तो हम इनमें से कोई भी एक उठा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं सपोज ये वाली ले रहा हूँ, तो इसमें 160 की डिमांड है, 190 की सप्लाई, तो 160 की डिमांड कंप्लीट, डिमांड वाला कॉलम गया, 2 × 160 मैंने लिख लिया और यहाँ पे ये जीरो हो गया,
और यहाँ से कितनी सप्लाई हमारी बचती है, वो 30 की सप्लाई और बच गई है। ठीक है, तो अभी हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट पहले से ही है सेकंड, लेकिन इस बार यही लेना है, इस बार कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हमने ये वाला लिया, 240 की डिमांड है और 160 की सप्लाई है, तो 160 की सप्लाई फिर से कम है, सप्लाई हमने दी, इसको काट दिया, सप्लाई लिखी और इसको जीरो कर दिया। यहाँ से 160 मिलने के बाद 80 की रिक्वायरमेंट और बच गई। ठीक है, अब उसके बाद सबसे कम ये है, इसको फिर से हमने वही चीज़ करनी है, देखना है 100 या 80। तो 80 हमारे पास डिमांड कम थी, डिमांड कंप्लीट, 3 × 80। ठीक है, ये 80 है, साफ लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हमने 80 दे दिया, इसके पास 20 की सप्लाई और रिमेनिंग है। अब क्या बचता है, अगला एलिमेंट हम देख सकते हैं 5, तो इसमें 50 की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इसको 80 की कंप्लीट हो गई। ठीक है, अभी इसको 50 की रिक्वायरमेंट है और 30 की सप्लाई है, तो हमने इसको 30 दे दिया, सप्लाई खत्म, ये 20 की डिमांड और बच गई है। तो आगे आप समझ ही गए होंगे, 5 × 30, और अभी ये तो गया, और इसके बाद हमारे पास यही बचता है, दोनों तरफ 20 20 की सप्लाई और डिमांड बची हुई है, तो हमने दोनों पे ही 8 × 20, जैसे हम इसको 20 एलोकेट कर देते हैं, सप्लाई और डिमांड दोनों को हमें कट कर देना है, सॉरी सप्लाई और डिमांड दोनों को हमें कट कर देना है। ठीक है, तो अभी हमारी मैट्रिक्स कंप्लीट हो चुकी है, हमारे पास सॉल्यूशन भी आ चुका है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या आया, 1340। ठीक है, ये हमारे इसकी अलग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकला है। हमारा जो है पहले वाले का क्या निकला था, नॉर्थ वेस्ट मेथड से, उससे हमारा आया था, नॉर्थ वेस्ट रूल से हमारी पोस्ट आई थी, 2520 आई थिंक, इज इट ट्रू? ठीक है, और इससे हमारी कितनी आई है, लीस्ट कॉस्ट में एलसीएम मेथड, इससे हमारी आई है 1340। अभी हमारा क्या रहता है, एबीएम, सॉरी बी बीएम। ठीक है, इसकी हमारी कॉस्ट फाइंड आउट करनी रहती है। तो चलिए मैं एक बार फिर से प्रॉब्लम को वैसे ही लिख देता हूँ, और इसको इस बार VM मेथड से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस बार इस प्रॉब्लम को, सेम प्रॉब्लम को वोकल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इस बार देखते हैं हमारा क्या बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आता है। हमें एलिमेंट सिलेक्शन थोड़ा सा इसमें हटके करना है, दूसरे पहले वाले दो मेथड से। वो कैसे करना है, लिस्ट मेथड्स, इसमें से हमें हर एक रो और हर एक कॉलम में से पहले दो कोई भी छोटे एलिमेंट्स जो वैल्यू वाइज मैग्नीट्यूड वाइज छोटे हैं, तो अब हमने ऐसे एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लिया, उनके बीच का डिफरेंस निकालना है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं रखना, हमने बस इनका बीच का डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस हम ऐसे लिखते चले जाएंगे, और जिसका भी डिफरेंस सबसे हाईएस्ट रहेगा वो हमने रो या कॉलम जो भी आएगा वो हमें सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, हमें अपनी रो या कॉलम मिल जाएगी, और रो और कॉलम मिलने के बाद हमें उसमें सबसे, उस रो या कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, लिस्ट में क्या था, हमने पूरी मैट्रिक्स में ही देखना शुरू कर दिया था कि सबसे छोटा क्या है, लेकिन इसमें जो है डिफरेंस जिस भी दो का सबसे कम आएगा, सॉरी सबसे ज्यादा आएगा, सिर्फ उसी रो या कॉलम में हमें
फाइंड आउट करना है कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो हमने देखा कि इसमें सबसे जो रो के अंदर जो सबसे छोटे एलिमेंट है वो 3 और 2n दोनों का डिफरेंस हो गया 1। ऐसे इसमें हमारा 5 और 2 डिफरेंस 3, 4 और 1 3। ठीक है, और इस तरफ अगर हम आते हैं तो 5 में 3 2, सबसे छोटे एलिमेंट ये यहाँ पे इसका भी 2 4 और सबसे छोटे एलिमेंट आ गई। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 4। अगर इक्वल होते हैं तो आप कोई भी एक उठा सकते हैं। ठीक है भाई, वैसे ही करना है। और अभी सबसे जो बड़ी वैल्यू अगर 4 आई है तो हमने ये देखा कि ये हमने ये वाला कॉलम सिलेक्ट कर लिया। इस कॉलम में सिलेक्ट करने के बाद हमने देखना है कि इसमें सबसे छोटी वैल्यू, आगे लिस्ट काउंट जैसा ही है, हमने देखना है सबसे छोटी वैल्यू क्या है, ये आएगी 1। तो 1 आने पे हमने वही करना है, सप्लाई और डिमांड को चेक करना है, जो भी कम है वो हमने इसको एलोकेट कर देनी है। 150 हमारी सप्लाई खत्म, 1 को मिल चुकी है और हमारी सप्लाई खत्म, तो कॉलम खत्म, सबसे पहली चीज हमें यहाँ से मिल चुकी है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिर से हमें वही सब डिफरेंस करना है। अभी ये तो एक बार आ चुका है तो इसमें अभी आगे कुछ नहीं आने वाला, तो अभी हम फिर से वही चेक करना है। अभी क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वही ये भी सेम एलिमेंट है, कोई भी एक नहीं कटा, तो ये भी सेम ही आएगा। इसमें से एक कट गया तो इस बार डिफरेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी सबसे छोटे दो, जो दो सबसे छोटे एलिमेंट 5 और 4 है, इनका बीच का डिफरेंस 1। सिमिलरली यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो आपका अब आगे कोई काम है नहीं क्योंकि इसका जो हमें बेसिक सेल वो मिल चुका है। नेक्स्ट हमारा ये भी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं इसमें ये और ये दोनों में से आप कोई भी एक चीज सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या सिलेक्ट करते हैं। तो मैं मान लीजिए ये चीज सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो अभी इसमें सबसे कम वैल्यू एलिमेंट है 2, तो अगर यहाँ से ये भी सिलेक्ट करते तब भी यही आता। ठीक है, लेकिन आपने ये सिलेक्ट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमने देखा सबसे इस कॉलम के अंदर सबसे जो छोटा एलिमेंट है, इसमें सप्लाई और डिमांड काउंट नहीं होती है, हमें मैट्रिक्स को देखना है। तो इस मैट्रिक्स के इस रो के अंदर, मैं सॉरी इसको कॉलम प्रोनाउंस कर रहा था, दिस इज रो, दीज आर द कॉलम्स। तो इस रो के अंदर क्या है, इस रो के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट है 2, तो हमने 2 को 2 के ऊपर देखना है कि पिछली बार इसमें से 50 बच गया था ना, हमने लिखा नहीं 150 की, तो यहाँ से डिमांड कंप्लीट हो चुकी है 50 है। अच्छा, तो अभी सेकंड की बात करते हैं, इसमें सबसे कम एलिमेंट निकला हमारा 2, इसमें हमें सप्लाई मिल रही है 190 की और डिमांड 160 की, तो 160 की डिमांड हमारी कंप्लीट हो रही है, तो हमारी डिमांड कंप्लीट हो चुकी है, डिमांड 0। 160 की डिमांड कंप्लीट होने के बाद हमारी 30 की सप्लाई बचती है, वो हम यहाँ पे नोट पे कर लेंगे 2 × 160। तो ऐसे ही फटाफट करिए, एक बार मिलने के बाद अभी आगे इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, इसमें कोई, इसमें इस बार चेंज हो चुका है, 8 में से 3 गए 5, 4 में से 2 गए 2, ये हमारा बचा ही नहीं, ये भी खत्म, और यहाँ से सेम चीज है, ये हमारा बचा नहीं है, और ये 3 में से 2 गए 1। ठीक है, तो वही चीज तकरीबन आ चुकी है। इस बार हमारा जो है यहाँ पे 5 सबसे बिगर एलिमेंट है, तो हमने ये वाली रो सिलेक्ट की, छोटा एलिमेंट 3 है, 3 में हमने सप्लाई और डिमांड को चेक किया, डिमांड हमारी ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो सप्लाई को एलोकेट किया और इसको 0 कर दिया। तो यहाँ से हमें मिल गया हमारा नेक्स्ट बेसिक सेल, और यहाँ से हमारी 140 की सप्लाई डिमांड और रहती है। ठीक है, तो ऐसे ही फिर से नेक्स्ट जो है हमें शुरू कर देना है, इसका अभी आगे कोई काम नहीं है, तो 4 में से 2 गए 2, ये खाली, और ये 5 में से 4 गया 1, ये खाली, और 8 में से 2 गया 6। तो अभी आप देख सकते हैं ये सबसे बिगर एलिमेंट है,
हमने ये कॉलम सिलेक्ट की, सबसे कम जो है एलिमेंट लिस्ट वैल्यू दो है, दो पे हमने डिमांड और सप्लाई को चेक किया, डिमांड हमारी 140 कम है, हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको जीरो कर दिया और यहाँ से हमारा 20 की सप्लाई और बचती है, तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया 2 × 140। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्या करना है कि यहाँ से हम अब हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है, तो इसके बाद क्या है, ये तो कंप्लीट था ही, ये एक बच चुका है। देखिए इसमें छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, वो ये थी कि 8 हमारा जो ये कॉलम नहीं कटा था, तो हमने यहाँ पे डैश डैश कर दिया था, यहाँ पे डैश नहीं आएगा क्योंकि हमारा 8 रिमेनिंग था, 5 रिमेनिंग था, तो उस तरफ डिफरेंस आता जाएगा, 8 में से 5 गए 3। ठीक है, और ये कब तक आएगा, ये देखिए यहाँ पर भी हमारे पास ये एलिमेंट था, तो जब यहाँ पर डैश आएगा तब जा करके हमारा यहाँ पर 8 से डिफरेंस हट करके, और ये अभी क्योंकि सिंगल एलिमेंट बचा है ये 5 और यहाँ पे एलिमेंट बच गया 4। तो इस स्टेप को आप ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे कोई सेकंड एलिमेंट हमारे पास नहीं बचा है, तो हमें सेम चीज़ वहाँ पे लिखनी है। ठीक है, फिर 5 हमने वहाँ पे लिखा और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास डिफरेंस था, हम डिफरेंस लिखते चल रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, तो सबसे बड़ा एलिमेंट है ये, हमने ये वाली जो रो को सिलेक्ट करना है, रो को सिलेक्ट करने के बाद हमने सप्लाई और डिमांड को चेक करना है, सप्लाई हमारी कम है, हमने एलोकेट कर दी और सप्लाई ख़त्म, अभी और सप्लाई पर नहीं मिलने वाली, यहाँ से डिमांड बचती है 20 की 5 × 30। ठीक है, 20 की डिमांड और बचती है, उसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही एलिमेंट बचता है और वो है 4। तो यहाँ से इसको 20 की सप्लाई चाहिए, 20 की डिमांड है, ये हो गया हमारे पास, ये पहले जीरो हो गया था, ये जीरो हो गया इस बार, इसको 20 देने के बाद यहाँ से सप्लाई ख़त्म, डिमांड ख़त्म। आप देख सकते हैं अपनी मैट्रिक्स कंप्लीट, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 4 × 20। और इसका जो है हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए अपना आंसर आ चुका है 1280। तो BEM मेथड से अपना कितना आया 1280। तो ये हमारे अलग अलग सॉल्यूशंस आएंगी, हमने तीनों मेथड्स यहाँ पे स्टडी किए, हम थोड़ा सा रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। नॉर्थ वेस्ट में हम सबसे पहले एक बार डिमांड और सप्लाई तो जो भी मिनिमम है वो प्रोवाइड करके वो रो या कॉलम को एलिमिनेट कर देना है। उससे पहले हमें ये जो बात सिलेक्ट करनी है वो है हम कौन सा सेल को सिलेक्ट करें, यहाँ पे कौन से बेसिक सेल की वैल्यू लिखें। ठीक है, तो एलोकेशन किस सेल को सेल एलिमेंट को दें वो सिलेक्ट करना मेन इम्पोर्टेंट जो तीन मेथड्स को अलग अलग बनाती है वो ये बात है। तो नॉर्थ वेस्ट में हमें सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को पकड़ना है, ठीक है, उसको एलोकेशन देनी है। लीस्ट कॉस्ट मेथड में हमें जो भी पूरी मैट्रिक्स में लीस्ट कॉस्ट बचता है, लीस्ट कॉस्ट एलिमेंट है यानी कि कॉस्ट है, सबसे कम वैल्यू जिसकी है उसको एलोकेशन देनी है। ठीक है, और फिर आगे तो एलिमिनेशन वही है। उसके बाद इस मेथड में हमें क्या करना है, इसमें हमें सबसे पहले मिनिमम 2 जो भी वैल्यूज हैं रो और कॉलम में उनके डिफरेंस को लिखते जाना है, और इसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस जिस भी जो भी आएगा, जैसे सबसे पहले 4 आया था तो वो हमने रो, या अगर इस तरफ आता है तो हमने वो कॉलम उठा लेना है। ठीक है, तो उसमें हमें देखना है सबसे कम वैल्यू कौन सी है, सबसे कम कॉस्ट कौन सा एलिमेंट शो कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें वही डिमांड और सप्लाई जो भी कम है ज़्यादा है, कम है उसको एलोकेशन देनी है और उसको पूरी रो को या कॉलम को कट कर देना है। ठीक है, तो ये हमारी समरी थी, हमने इस प्रॉब्लम पे उसे इसको थोड़ा सा आज एलिब्रेट करने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं चैनल पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे अभी लॉकडाउन चला हुआ है तो गेट मैकेनिकल के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी अलग ब्रांचेस के लिए भी वो अवेलेबल है, एकदम मतलब जेन्युइन रेट्स पे हमें गेट की कोचिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो उसमें जो है टेक्स्ट बुक की ओर से, जैसे आप ये देख सकते हैं, इसमें अगर आप एनरोल करते हैं टेक्स्ट बुक पास आपको मिल रहा है आज अगर आप एनरोल करते हैं, और पता नहीं कितने टाइम तक, इनका थोड़ा चेंज होता रहता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, लेकिन
फिर भी चेंज होता रहता है, डायनेमिक है। आप एक बार देख लीजिए, आपका उस टाइम वीडियो ख़त्म होने के बाद आप पता नहीं कब इसको चेक करेंगे, तो आप देखिए कि उस टाइम क्या ऑफ़र चल रहा है। अभी जो फ़िलहाल ऑफ़र है वो ये है कि अगर आप पास खरीदते हैं उसमें आपको रेलवे, बैंकिंग, मैकेनिकल, टेस्ट सिटी, मतलब ओवरऑल 300+ एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स की जो है आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का मौका मिलता है। हर एक में मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स और प्रैक्टिस टेस्ट, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, वो सब आपको मिल जाते हैं। आप जिस भी सब्जेक्ट की, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सिर्फ आपको 499 रुपीज़ में, जब मैंने ख़रीदा था तब वो 5 साल का जो है टाइम पीरियड चला हुआ था कि आपको 499 में 5 साल के लिए, उसमें भी अगर आप एक ये कूपन कोड जो है यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट करके 450 का अप्रोक्स आपको वो जो है टेस्ट सीरीज मिलती है, टेस्ट बुक पास बोलते हैं उसको बेसिकली, तो आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा गेट कोचिंग भी वो पूरी प्रोवाइड करवा रहे हैं इलेक्ट्रिकल के लिए, सीएससी के लिए, मैकेनिकल के लिए। आप भी देख सकते हैं आपका कोर्स पे अवेलेबल है या नहीं, और मैकेनिकल के लिए मैं इसमें नीचे लिंक दे दूंगा। बाकी आप उस लिंक पे जाके उस ऐप पे भी एनरोल कर सकते, मतलब ऐप पे जा सकते हैं डायरेक्टली, उसके बाद आप जो भी कोर्स चूज़ करना चाहें आप उसकी उसको वहाँ से परचेज कर सकते हैं। काफ़ी जेन्युइन रेट्स में ये आपको मिलता है। जैसे मैं आपको मैकेनिकल की बात करूँ, क्योंकि इस टाइम आपको एक सही प्रॉपर डायरेक्शन और जो टाइम टेबल की काफ़ी नीड है, अगर आप इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो इसमें जो है आपको गेट की कोचिंग में आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, और लाइव कोचिंग्स है, रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं किसी भी टाइम। आप उसके प्रैक्टिस हर एक वीडियो के बाद प्रैक्टिस टेस्ट, वो 16 क्वेश्चन के अप्रोक्स आपको देते हैं, आप उससे अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि मैंने इस वीडियो में क्या सीखा। उसके अलावा आपको ये जो टेक्स्ट बुक पास है ये भी आपको एक्सेस मिलता है इस कोर्स के अलोंग, तो आप अपनी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं उसी बजट के अंदर। तो इनका बजट भी 11,999 अप्रोक्स 12,000 है, और आप इस कूपन कोड को लगाते हैं तो वो आपको 10,800 का कोर्स पड़ रहा है। तो ये कोर्स जो है मैकेनिकल की बात करूँ तो 2 मार्च को शुरू हुआ था और 14 नवंबर तक चलना है। आप इसमें कभी भी रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, तो आप जल्दी जा कर के इसको आज भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन आपको जैसे पिछली क्लासेस जो हैं आपको अपने हिसाब से मेंटेन करनी होंगी, और इनकी लाइव क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो आप भी इसमें मैं तो कहूँगा ज़रूर से एनरोल करिए, काफ़ी सही रेट में आपको ये कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे ही अगले वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक के लिए नमस्कार।